हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे म्यूजिक पोस्टर कैसे बनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। इमेज मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे पास बैकग्राउंड है जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इमेज को सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट साइड चुन लेंगे यहाँ से, और इसे हम लोग कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम लोग ठीक करेंगे। पहले आप देख सकते हैं ये जो लाइन है वो दिख रहा है। उसके बाद हम लोग माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और फिल पे हम लोग क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो लाइन था वो मिट गया। उसके बाद हम लोग गूगल में जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे रैली पीपल। उसके बाद हम लोग इमेज में आएंगे और यहाँ से हम लोग कोई भी इमेज एक डाउनलोड करेंगे। चलिए मैं ये वाला इमेज को डाउनलोड कर रहा हूँ। इसको कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और तो हम लोग जूम कर लेंगे इसको। उसके बाद हम लोग इसका हम लोग ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग इमेज को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे और हम लोग चेंज करेंगे। ये वाला ऑप्शन हम लोग कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसका मास्क लेयर क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम लोग ब्रश लेंगे और जो ओपेसिटी है इसको हम लोग 50% कर देंगे, यानी 50%, और फ्लो को भी हम लोग 50% कर देंगे। यहाँ से हम लोग ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर में वाइट कलर है और नीचे में ब्लैक कलर है, तो हम लोग ऊपर में ब्लैक कर देंगे और नीचे में वाइट कर देंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर में ब्लैक हो गया और नीचे में वाइट हो गया। हम लोग इरेज करेंगे। और थोड़ा हम लोग इसको साइज बड़ा कर लेंगे और फ्लो को और हम लोग थोड़ा कम कर देंगे और ओपेसिटी को भी कम कर देंगे। और यहाँ से हम लोग इसका ओपेसिटी कम करेंगे। मैंने एक ऑलरेडी डीजे लाइट का इमेज डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं उसको लाऊंगा। फिर इसको हम लोग कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और जैक करेंगे। इसका हम लोग ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और मास्क लेयर क्रिएट करेंगे। यहाँ से ब्रश लेंगे और ओपेसिटी को 50% और फ्लो को 50% कर देंगे और हम लोग इसको इरेज करेंगे ब्रश से। उसके बाद ओपेसिटी को 100% कर देंगे और नीचे वाला पार्ट को हम लोग इरेज करेंगे। मेरे पास ये इमेज है, मैं इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो मैं इसको लाऊंगा। फिर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको हम लोग थोड़ा जूम करेंगे, इमेज को बड़ा करेंगे। आप देख सकते हैं साइड में जो गिटार है इसका पार्ट कटा हुआ है, तो इसको हम लोग साइड में कर देंगे ताकि समझ में ना आए। और इसका तो उसके बाद फिर हम लोग ब्रश लेंगे और ओपेसिटी को हम लोग 50% कर देंगे और फ्लो को भी 50% कर देंगे हम लोग। इसको हम लोग हर का ब्रश करेंगे ताकि ये पार्ट ये मैच हो जाए पैर तक। मेरे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है वो हम लोग यहाँ पे लाएंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको जूम करेंगे। इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कोई भी आप फॉन्ट ले सकते हैं, इसको हम लोग बोल्ड करेंगे।
उसके बाद यहाँ जो इफेक्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पे आएंगे हम लोग, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और स्ट्रोक हम लोग इसका दो कर देंगे, 2 पिक्सल। ध्यान दें आप यहाँ से वाइट कलर होना चाहिए और हम लोग ओके कर देंगे। और ये जो फिल है इसको हम लोग 0 कर देंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके लाएंगे ये सारा। उसके बाद जो ये डेट है इसको हम लोग छोटा कर लेंगे। और जो ये परफॉर्मिंग लाइव है इसका हम लोग कलर चेंज करेंगे, ये वाला हम लोग ब्लू कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको। स्ट्रोक को हम लोग 0 कर देंगे और फिल को हम लोग वाइट कलर से कर देंगे। इसको हम लोग ड्रैग करके नीचे लाएंगे। आप देख सकते हैं साइड में कर्व है तो इसको हम लोग सर्कल हल्का करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, इसको हम लोग ड्रैग करेंगे। उसके बाद से ये जो फॉन्ट के साइज सेम कर देंगे इसका, ये दोनों फॉन्ट के साइज हम लोग सेम कर देंगे। ये आपका 44 है, इसको हम लोग 44 कर देंगे। आप देख सकते हैं ये जो फोटो और बैकग्राउंड कलर से मैच नहीं है तो हम लोग इसको मैच कराएंगे। उसके बाद तो ये जो बैकग्राउंड है इसको हम लोग कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और ड्रैग करके हम लोग इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे। इसका हम लोग ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, इसका हम लोग ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैच हो रहा है कलर,